चलिए आज सीखते हैं सोलर इन्वर्टर के कनेक्शन। यहाँ पर दो बैटरी है 12 वोल्ट की, प्लस माइनस कनेक्ट कर दिया है, ये माइनस ये प्लस, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। यहाँ इन्वर्टर से बे प्लस की और ये नेगेटिव की वायर है, यहाँ प्लस के साथ प्लस की वायर और नेगेटिव के साथ माइनस की वायर कनेक्ट कर देंगे। ये प्लस की वायर जोड़ेंगे तो एक बार स्पार्क होगा, चिंता की कोई बात नहीं। ये दो वायर सोलर पैनल से आ रही है, ये प्लस की वायर है, इस पर रेड कलर का लाइन लगी हुई है, और ये माइनस की है। दो वायर इसलिए जोड़ी है ताकि रेजिस्टेंस कम हो। आप सिंगल वायर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास मोटी वायर हो तो। हमें यहाँ क्या करना होगा, ये नेगेटिव का पॉइंट है और ये पॉजिटिव का है, यहाँ पर इनको कस देना है। ऊपर के स्क्रू नहीं खोलने हैं, ये अंदर के कनेक्शन के लिए हैं, आपको केवल नीचे वाले दो स्क्रू खोल करके इसको कस देना है। प्लस वायर लगा दिए, यहाँ पर माइनस की वायर को कनेक्ट कर देंगे, हल्का सा स्पार्क होगा, यहाँ आउटपुट की वायर लग जाएगी। ये वायर एसी इनपुट की, इसे हमें एसी इनपुट के अंदर लगा देना है। तो इस प्रकार से सोलर जो इन्वर्टर है उसके कनेक्शन किए जाते हैं। सोलर पैनल रिवर्स लग जाएंगे तो ये लाइट ग्लो करेगी। यहाँ पर एसी को रीसेट करने का बटन है, इसको पुश कर देंगे, एसी रीसेट हो जाएगी। अगर यहाँ फैन आवाज़ कर रहा है, इसको चेंज करेंगे या क्लीन करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय से फैन चलता है तो फैन को चेंज करवाना पड़ता है। अगर सोलर पैनल और उनके कनेक्शन आदि के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।